नमस्कार, गुड इवनिंग, अ वेरी वार्म एंड अ हार्टफेल्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। झीलों की नगरी भोपाल में आज महामंच है देश के नंबर वन न्यूज़ चैनल नेटवर्क न्यूज़ 18 का, जिस पर करोड़ों व्यूअर्स का विश्वास टिका हुआ है। मानसरोवर डेलिजन केयर हॉस्पिटल प्रेजेंट्स न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लाइफ लाइन कॉन्क्लेव, विच इज़ पावर्ड बाय सेज अपोलो हॉस्पिटल्स एंड को पावर्ड बाय जेके हॉस्पिटल्स, अमल्टास इंडिया लिमिटेड एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज इस महामंच पर हम परखेंगे देश के दिल की सेहत। जी हाँ, इस मंच पर आज चर्चा होगी मध्य प्रदेश के हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़े तमाम बिंदुओं पर। आज हमारे साथ हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़े हुए अलग अलग दिग्गज जिन्होंने इस इंडस्ट्री में कुछ खासा नाम हासिल किया है, मध्य प्रदेश को एक ऊंचे मुकाम पर ले जाने के लिए अपना खास योगदान दिया है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अलग अलग पैनल डिस्कशंस में। उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे सभी स्पॉन्सर्स का, हमारे उन सहयोगियों का जिनकी वजह से आज इस कार्यक्रम को साकार किया जा सका है। हमारे सहयोगी हैं मानसरोवर डेलिजन केयर हॉस्पिटल, सेज अपोलो हॉस्पिटल, जेके हॉस्पिटल्स, अमल्टास, रिलायंस इंडस्ट्रीज केयर पैथोलॉजी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, डॉक्टर एजाज, गुरुदेव नेत्रालय, IES यूनिवर्सिटी, मेडी स्क्वेयर, RDA मेमोरियल, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सल डेंटल क्लिनिक, RKDF, MCH एंड RC, संपूर्ण डायग्नोस्टिक क्लिनिक, शिवनाथ सिंह कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इससे पहले मैं पैनल डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ूं और हम हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़े तमाम बिंदुओं पर चर्चा करें, पहले मैं यहाँ मंच पर बुलाना चाहूँगी मध्य प्रदेश के न्यूज़ एडिटर सुधीर दीक्षित जी से। सुधीर जी, आप कृपया मंच पर आइए और वेलकम स्पीच से हमारे सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन कीजिए। गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। सबसे पहले तो न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से हम आप सब लोगों का स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। हेल्थ केयर सिस्टम जो होता है वो आप देश की लाइफलाइन भी इसको बोल सकते हैं। न्यूज़ 18 आज उन हेल्थ वॉरियर्स को और हॉस्पिटल को या हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले उन सभी लोगों को सम्मानित करने का एक छोटा सा प्रयास इस मंच के जरिए कर रहा है, और जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे नई नई चीज़ें सामने आती रहेंगी। किस तरह के इनोवेशन आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर मौजूद लोगों को भी पता होगा, या सब लोग उन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। और आप सब यहाँ पर आए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत हम यहाँ पर। तो सबसे पहले पैनल डिस्कशन में मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय, कृपया मंच पर आइए, तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय। डॉक्टर एजाज खान जीवन डिस्पेंसरी, और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी प्रशांत कटारे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 MP के लाइफ लाइन कॉन्क्लेव में। और डॉक्टर सुबोध, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। प्रदेश में डॉक्टरों की कमी अभी भी है, और अमूमन किसी भी राज्य में आप जाएंगे डॉक्टरों की कमी है, क्या तरीके हैं, कैसे डॉक्टरों की कमी पूरी हो सकती है? अब सरकार के साथ निजी क्षेत्र में भी मेडिकल कॉलेजेस आए हैं, कोशिशें जारी हैं। देखिए, जो हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी है बेसिकली वो शहरों में नहीं है, छोटे शहरों में और गाँव में है। तो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस लाने का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था इस कंट्री में, वो इसीलिए हुआ था कि डॉक्टरों की कमी है तो उसको पूरा किया जाए। पर कभी भी ये नहीं देखा गया कि डॉक्टरों की कमी कहाँ पे है, और क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से निकाले गए छात्र कभी भी उस कमी को पूरी कर पाएंगे, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के जो भी छात्र होते हैं वो बड़े घरों से आते हैं, वो कभी ना गाँव जाते हैं ना कहीं जाते हैं। तो भारत में भी आप जब चाहेंगे 5 गुना 7 गुना कर सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिना मेडिकल कॉलेज को डुप्लीकेट किए, सिर्फ टीचिंग हॉस्पिटल्स अपग्रेड करें। एड्स और इसी तरह की और भी अगर हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बीमारियों का जिक्र करें तो इनमें क्या प्रिकॉशंस हमें रखने चाहिए, क्या किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? अगर कोई उससे ग्रसित हो चुका है तब क्या किन बातों का ख्याल रखें? सर, ये बहुत अच्छी बात है। ये जैसे बात कहा आपने एड्स का, तो सबसे पहले इसकी जागरूकता बहुत ज्यादा होना जरूरी है। आज भी हमारे मुल्क में कई लोग ऐसे जिन्हें एड्स के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। एड्स कैसे होता है उनको समझाना चाहिए कि ये आप किस तरह से इसको डिवाइड मतलब प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, और उनको कौन बताएगा? हम जैसे लोग आगे आएंगे बताएंगे, उनको समझाएंगे,
तो हमको हर चीज के ऊपर एक ध्यान रखना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा कि आप इन चीजों का परहेज रखें, इन चीजों को अवॉइड करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का, डॉक्टर एचआर खान साहब, डॉक्टर सुबोध वाशनी जी, बहुत शुक्रिया पैनल डिस्कशन। मैं सबसे पहले अपने सहयोगी शुभांगी सिंह मिश्रा जी को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। शुभांगी, प्लीज कम ओवर ऑन द स्टेज। और इस पैनल डिस्कशन में हमारे साथ रहेंगे मेरी स्क्वायर हॉस्पिटल से डॉक्टर अखिल अरोड़ा, सोदानी हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड से डॉक्टर साधना सोदानी, संजय अग्रवाल सोशल एक्टिविस्ट। कृपया मंच पर आइए। तो सबसे पहले डॉक्टर अरोड़ा, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आगे बढ़ रहे हैं हम सब, और मेडिकल के फील्ड में भी हमने देखा है, अगर चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाए तो लगातार हम विकास पथ पर अग्रसर हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर हमारे घुटनों में है तो ऐसे में इसमें ट्रांसप्लांट क्या भूमिका निभाता है और ये कितना फायदेमंद साबित होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र के साथ साथ जोड़ों का घिसना, सबके जोड़ कभी ना कभी घिसने हैं। बहुत कुछ ही परसेंटेज कुछ ऐसे लोग होते हैं खुश नसीब जिनका जिंदगी भर घुटने उनके साथ दे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी पेशेंट को घुटने में दर्द होता है तो हम सीधा रिप्लेसमेंट के बारे में सोचें। सो एक लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि दर्द का कारण क्या है। दर्द का कारण है फ्रिक्शन, जो खुरदरी सरफेस आपस में घिसती है तो मरीज को दर्द होता है। जो चिकनाहट भरी सरफेस जो खत्म हो गई है उसको हम रीशेप करके और मेटल के इम्प्लांट्स के द्वारा हम ये सर्जरी करते हैं। साधना जी, आप जिस तरह से काम करते हैं या आपकी संस्था जिस तरह से काम करती है, लोगों का भरोसा जीतना आज के समय में बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा हैं। किस तरह आपने लोगों का भरोसा जीता हुआ है? एक एक्यूरेट रिपोर्ट, एक क्वालिटी रिपोर्ट बहुत मैटर करती है किसी भी बीमारी के डायग्नोस से पहले। आप जो टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, टेस्टिंग में एक्यूरेसी, देखिए किसी भी काम में जब भी हमको एक्यूरेसी या क्वालिटी की तरफ जाना होता है तो ये एक जर्नी होती है, ये एक रिजल्ट, अल्टीमेट रिजल्ट नहीं होता, ये एक जर्नी होती है जो हमारे प्रत्येक छोटे छोटे कार्य में ही आती है। वो शुरू होता है पेशेंट के सैंपल लेने से शुरू होती है जो जर्नी, और उसके बाद उसकी सही तरीके से ट्रांसपोर्टेशन, सही मशीन से उसकी सही तरीके से जाँच करना, तो ये एक जर्नी होती है जो सब इस जर्नी को अच्छी तरीके से और ऑनेस्टी से और पूरी क्वालिटी से मन लगाकर करता है तो ये जर्नी कंप्लीट हो जाती है और एक्यूरेसी आ जाती है। चलिए अब मैं बात करूंगी संजय जी से। संजय जी, मुझे लगता है कि मानवता की सेवा करना निस्वार्थ भाव से, इससे बड़ा कोई, मुझे लगता है कोई बड़ी सेवा नहीं हो सकती, कार्य नहीं हो सकता। आपने समाज सेवा को कैसे चुना, किससे आप इंस्पायर हुए? मेरे घर में माता जी बीमार थी, उसके लिए हम एक व्हील चेयर लाए थे। 15 दिन हुआ, काम हो गया तो व्हील चेयर काम नहीं आ रही थी, तो हमने दोस्तों को बोला कि व्हील चेयर किसी को दे दीजिए। तो वो 10-15 दिन हुए कोई आया नहीं लेने, तो हमने उसको व्हाट्सएप पर डाल दिया जिसको व्हील चेयर की जरूरत हो ले जाए। व्हील चेयर एक थी, काल 200 आ गए। तो वहाँ से समझ में आया कि लोगों को मेडिकल उपकरण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हम लोगों ने वहाँ से फिर मेडिकल बेंच चालू किया हमारा, उसमें हमारे पास 25 तरह के उपकरण जो हॉस्पिटल से छूटने के बाद व्यक्तियों को कुछ समय के लिए लगते हैं, हम लोगों ने उसका अरेंजमेंट किया और हम लोगों को निशुल्क यूज करने के लिए देते हैं। 5-6 शहरों में चल रहा है, धीरे धीरे इसको हमको और बढ़ाने की इच्छा है। और एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे पैनलिस्ट के लिए। और हमारे बीच मौजूद हैं मध्य प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। सुधीर जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कृपया मंत्री जी को सम्मानित मंच पर लेकर के आइए। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी के लिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की लाइफलाइन कॉन्क्लेव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी खुद भी एक डॉक्टर है। एक डॉक्टर से राजनेता तक का सफर सर कैसे रहा है? ये तो एक संयोग है। मैं डॉक्टर था, रुचि थी समाज सेवा में, और राजनीति में आ गया। बीच में फिर एक बार और मैं मेडिकल फील्ड में गया, लेकिन वापस फिर राजनीति जनसेवा के मार्ग पर ले आई। सर, जब आप मंत्री बने तो जश्न से ज्यादा चिंता थी कोरोना की, कितनी बड़ी चुनौती थी वहां पर आपके सामने कि स्वास्थ्य विभाग को भी संभालना है और लोगों के स्वास्थ्य को भी संभालना है? ये बात बिल्कुल सही है कि जब मेरे को स्वास्थ्य विभाग की जवाबदारी मिली तभी कोरोना का संकट हम लोगों के ऊपर आया,
लेकिन हम लोगों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की लीडरशिप में जो मध्य प्रदेश के अंदर काम किया वो आपके और समस्त जनता के सामने भी है। आपने बताया कि समाज सेवा का एक मन था और ऊपर से आप डॉक्टर, तो एक समाज सेवा की भावना मन में और फिर डॉक्टर, क्या यही वजह है कि आप इतने सक्रिय रहते हैं कि किसी भी वक्त वीडियो कॉल से किसी भी सरकारी अस्पताल में किसी भी अधिकारी को आप फोन लगा देते हैं और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं? ये बात सही है। जैसे ही मैं स्वास्थ्य मंत्री बना मैंने ये तय किया कि प्रत्येक सोमवार को मैं दो जिला अस्पतालों में वहां जो पेशेंट हमारे एडमिट थे रहते हैं उन सबसे बातचीत करके, वहां जो डॉक्टर पदस्थ हैं उनसे बातचीत करके, जो पेशेंट्स हैं पेशेंट्स के जो अटेंडेंट हैं उनसे बातचीत करके, वहां पर फीडबैक उनसे लिया, वहां की अगर कोई समस्या है तो उसको निराकरण के लिए पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में मैंने बात की, उससे काफी हमको लाभ हुआ। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य को लेकर कितना काम हुआ है और कितना और करने की जरूरत है एक डॉक्टर के तौर पर आप देखते हैं, और एक राजनेता के तौर पर चुनाव में जाने का वक्त है, चुनाव सर पर है, जनता के पास आप पहुंचेंगे, जनता के सवाल भी होंगे, कई चुनौतियां भी होंगी, कितने तैयार हैं जनता के बीच अपनी उपलब्धियों को लेकर जाने को? नहीं देखिए, हम लोग तो हमेशा ही चुनाव हो या ना हो जनसेवा में जनता की सेवा हम लोग करते हैं। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने हर ब्लॉक लेवल पर मेडिकल कैंप आयोजित किए गए, जिला स्तर पर भी दो दिन का मेडिकल कैंप आयोजित किया गया है। स्पेशलिस्ट अगर वहां नहीं है तो दूसरी जगह से लाकर वहां पर लोगों की जांचें कराई गई हैं। सर, हमारे सवालों का जवाब देने के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। मैं आपसे विनती करूंगी आप स्टेज पर बने रहिए, क्योंकि अब हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जितने भी लेजेंड्स और एक्सपर्ट्स यहां पर मौजूद हैं हम उन्हें सम्मानित करेंगे। तो इस लिस्ट में सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी रमेश कुमार शांडिल्य जी को, मानसरोवर डेलिजेंट केयर हॉस्पिटल, मोस्ट प्रॉमिसिंग अपकमिंग हॉस्पिटल। आप कृपया मंच में पधारिए। और इस श्रेणी में अगला नाम है मिस्टर राकेश अग्रवाल, डायरेक्टर सेज अपोलो हॉस्पिटल्स लीडिंग इमरजेंसी यूनिट इन सेंट्रल इंडिया। जोरदार तालियां। और इस श्रेणी में अगला नाम है डॉक्टर एन के थापर वीसी, एलएनसीटी यूनिवर्सिटी एंड डॉक्टर ए के चौधरी सुपरिटेंडेंट एलएन मेडिकल जेके हॉस्पिटल्स मोस्ट ट्रस्टेड हॉस्पिटल ऑफ एमपी। तो ए के चौधरी। अगले मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी अश्विन दुबे जी को, गुरुदेव नेत्रालय फास्टेस्ट ग्रोइंग आई केयर हॉस्पिटल इन देवास। और हेल्थ केयर सिस्टम में इन लीडर्स की कैटेगरी में अगला नाम है डॉक्टर सुबोध वार्षणे, लीडिंग गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। और इस लिस्ट में अगला नाम है डॉक्टर अखिल अरोड़ा, मेरी स्क्वायर हॉस्पिटल यंगेस्ट रोबोटिक सर्जन इन सेंट्रल इंडिया। Give a huge round of applause for him. Dr. R. K. Sodhani, Sodhani Hospitals and Diagnostics Private Limited, most trustworthy diagnostic center in Madhya Pradesh. और इस लिस्ट में अगला नाम है Mr. Sanjay Agarwal, outstanding contribution in social services. Please come on stage. Dr. Ejaz Khan, Jeevan Dispensary. Mrs. Sonal Singh, Chairperson, Shivnath Singh College of Nursing, Fastest Growing Nursing Institute of Gwalior, Chambal Region. और आप सभी लीडर्स को न्यूज 18 के पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सुधीर जी से अनुरोध करूंगी आप कृपया मंत्री जी का सम्मान कीजिए उन्हें मोमेंटो प्रदान करके। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी के लिए। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले पैनल डिस्कशन की तरफ, जिसके लिए मैं सबसे पहले अपने सहयोगी प्रशांत कटारे जी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। हमारे साथ तीसरे पैनल डिस्कशन में मौजूद रहेंगे डॉक्टर रमेश कुमार शांडिल्य जी, मानसरोवर डेलिजेंट केयर हॉस्पिटल। हमारे दूसरे पैनलिस्ट होंगे राकेश अग्रवाल, डायरेक्टर सेज ग्रुप, सेज अपोलो हॉस्पिटल्स, डॉक्टर ए के चौधरी सुपरिटेंडेंट एलएन मेडिकल जेके हॉस्पिटल्स। बहुत स्वागत है हमारे तीनों खास मेहमान का, और तीनों खास मेहमान जो हमारे स्टेज पर हैं इस वक्त न केवल भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश के प्रोमिनेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस से जुड़े हुए हैं। शुरुआत करूंगा मैं चौधरी साहब से।
एलएन मेडिकल जो एलएनसीटी के जरिए संचालित होता है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, हमें मेडिकल से जुड़े भी बताइएगा भाई कैसे। दूसरा ये कि एलएनसीटी यूनिवर्सिटीज भी बहुत सारे अदर कोर्सेज भी चलाती है, उससे भी हमारे दर्शकों को अवगत कराइएगा। 2008 से एलएन मेडिकल कॉलेज जेके हॉस्पिटल नाम से चालू हुआ था। आज हमारे पास 1250 बेड का और 270 पोस्ट ग्रेड डिग्री कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं। पैरामेडिकल भी है, लॉ भी है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी है और होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज भी चल रहे हैं। पैरामेडिकल और नर्सिंग के जो कोर्सेज चल रहे हैं हम वहाँ तक MD से लेकर PhD तक कराते हैं और यूनिवर्सिटी जो हमारी है वो रिकॉग्नाइज ऑटो यूनिवर्सिटी है। राकेश अग्रवाल जी, सेज ग्रुप का मैं जिक्र कर रहा हूँ, सेज अपोलो हॉस्पिटल हाल ही में आप लोगों ने स्थापित किया, लेकिन बहुत कम समय में ये लोगों के भरोसे का एक केंद्र भी बना है। क्या इसको लेकर विजन था या फिर हम कहें कि किस उद्देश्य के साथ आप लोग इस ट्रैक पर आए? उद्देश्य एक ही था शुरुआत से, समाज की सेवा। सेज ग्रुप पिछले 30 सालों से यही काम करता आ रहा है, उच्च शिक्षा प्रदान करना प्रदेश के सभी बच्चों को और इसी के साथ घर मुहैया कराना एक परिवार को। ये काम हम 30 सालों से करते आ रहे थे और फिर जब हमें लगा कि अब इस शहर को, इस प्रदेश को और बेहतर मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है तो हम भोपाल में पहला कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हम लेके आए हैं और एक ही भाव है, एक ही दृढ़ संकल्प है कि हमें समाज की सेवा करना है। आपको बताना चाहूंगा कि जब 4 जनवरी को हमने इसका उद्घाटन किया तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे चेयरमैन साहब, मेरे प्रिय अंकल श्री संजीव अग्रवाल जी से एक आदेश किया था, एक बात कही थी अपने अंदाज में मंच से कि संजीव भाई इस अस्पताल में जो अमीर आए उससे पूरा पैसा लेना लेकिन किसी गरीब को निराश मत करना। तो वही हमारा दृढ़ संकल्प है, वही हमारा विजन है। डॉक्टर रमेश कुमार शांडिल्य जी, मानसरोवर ग्रुप बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, अलग अलग क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ सेक्टर क्या वजह है, क्या विशेष रुचि, क्या रीजन रहे क्षेत्र में आने के? मानसरोवर ग्रुप जैसा कि आप सब जानते हैं जी, पहले से आयुर्वेद के क्षेत्र में बिल्कुल और डेंटल कॉलेज वहाँ ऑलरेडी था। अब सबकी सूचना के लिए मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ MDC मानसरोवर डिलीजेंट केयर हॉस्पिटल, ये एक नया नाम इसमें जोड़ दिया गया है, ये मानसरोवर ग्रुप के अंतर्गत ही है। और डिलीजेंट जैसा हम लोग सब जानते हैं कि डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, सिंसियरिटी के साथ में और केयरिंग, तो डिलीजेंट केयर इज ए हार्ड वर्किंग केयर। तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए ये हॉस्पिटल शुरू किया गया है। हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार शहरों से बाहर की ओर जा रहा है, तो जो इसकी लोकेशन है आसपास कम से कम 50 गांव है और उन गांव को के लोगों को ध्यान में रखते हुए इस अस्पताल की शुरुआत की गई है। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है तीनों खास मेहमानों से और डॉक्टर रमेश कुमार शांडिल्य जी, AK चौधरी साहब, राकेश अग्रवाल जी, बहुत शुक्रिया। अब हम इस डिस्कशन को, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अगले पैनल डिस्कशन में मैं सबसे पहले स्टेज पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर अब्दुल्ला हुसैन, अमलतास इंडिया लिमिटेड। हमारे अगले पैनलिस्ट रहेंगे प्रोफेसर मनीषा कार्तिकर, डायरेक्टर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस IES यूनिवर्सिटी। अगले पैनलिस्ट होंगी डॉक्टर सुचिता सिंह, RD मेमोरियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। मैं सबसे पहले मिस्टर अब्दुल्ला हुसैन आपसे बात करना चाहूंगी। सेंट्रल इंडिया में अमलतास ट्रस्ट का दूसरा नाम है, आपकी सबसे पहले तो जर्नी किस तरह से रही है और क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं, क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आप लेकर के आ रहे हैं? मेरे जो 4 ग्रैंडफादर थे वहां से हम लोगों के फैमिली बिजनेस कॉन्ट्रैक्टरशिप रहा है और ये मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश रूल की 1930s में, जो आपने आज आप जिसे बैरागढ़ बोलते हैं, जो बैरिक्स ऑफ प्रिजनर्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर थे, प्लस जो आपका लेडी हॉस्पिटल, ओल्ड कलेक्ट्रेट, भोपाल टेक्सटाइल मिल, ये सब मेरे ग्रैंडफादर के बनाए हुए प्रसिद्ध और मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। और देन मेरे फादर एक ए क्लास गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे जिन्होंने अर्ली एजेस में VRS लेके अमलता स्टार्ट करी थी और बराबर तब से हम लोग पिछले 25 साल से अमलतास इंडिया लिमिटेड में सबको घर केटर कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल मिसेज मनीषा से रहेगा। मैम, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि स्टूडेंट और
टीचर के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन हो और एक अच्छा रिलेशनशिप बने। तो किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए कितना ज्यादा जरूरी है और एक मानसिक विकास पर आप किस तरह से काम कर रहे हैं, अगर हम एक विद्यार्थी और शिक्षक के आपसे रिश्ते की बात करें। IAS ग्रुप पिछले 25 साल से एजुकेशन सेक्टर में है और करीब 80 से ज्यादा कोर्सेज चला रहे हैं जी। एंड बिल्कुल वी कॉल इट फ्रॉम नर्सरी टू डॉक्टरल लेवल काम चल रहा है। तो ऑफकोर्स जो शिक्षक होता है वो हमारी संस्कृति में गुरु माना जाता है जी। तो गुरु का काम ही होता है मार्गदर्शन, और उस मार्गदर्शन को IAS में एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं ताकि एक बॉन्ड रहता है, एक फेथ का रिश्ता रहता है बिटवीन द शिष्य और शिक्षक। डॉक्टर सुचिता सिंह मैम, मेरा आपसे ये सवाल है, 2002 से लेकर अब तक आयुर्वेद और नर्सिंग के क्षेत्र की हम बात करें तो आपका इंस्टीट्यूट एक उभरता हुआ नाम देखा जा सकता है। अगर हम आयुर्वेदा की बात करें, आयुर्वेद के नजरिए से देखा जाए तो क्या संभावनाएं बनती हैं इस क्षेत्र के अंदर, और किस तरह से आयुर्वेदा जो है वो तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है? 2002 से हमारी जो संस्था है वो कार्यरत है, और सिर्फ आयुर्वेद और नर्सिंग में नहीं, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नर्सिंग एंड हमारी फार्मेसी भी है, एंड आयुर्वेद हॉस्पिटल है हम लोगों का जो 2002 से ही कार्यरत है और आगे अभी बढ़ता चला जा रहा है। आयुर्वेद में संभावनाओं की बात अगर करेंगे तो आज के सिनेरियो में अगर हम देखें तो आयुर्वेद को अभी हम एक विकल्प के तौर पे देखते हैं, लेकिन संभावनाओं के लिए आपने बात की तो संभावनाओं में आगे चल के आयुर्वेद एक एकदम सुबल, जो हम बोले, सुदृढ़ तरीके से आधार बन के उभरने वाला है। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतनी खास जानकारी हेल्थ सेक्टर को और मेडिकल एजुकेशन के लिए दी। मेडिकल एजुकेशन को प्रमोट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज जिस तरह से मध्य प्रदेश को मिल रही हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ के छात्र आगे बढ़ें। हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथि, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी प्रधान चुके हैं। एक बार ज़ोरदार तालियाँ श्री विश्वास सारंग जी के लिए। न्यूज 18 मध्य प्रदेश के न्यूज एडिटर सुधीर दीक्षित जी से मैं अनुरोध करूंगी, मंत्री जी को सम्मानित मंच पर लेकर के आइए। देश की जनता को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने वाले विभाग से जुड़े हुए लोगों को सम्मानित करने वाले इस सबसे बड़े मंच पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेडिकल एजुकेशन हिंदी में शुरू करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता था कि डॉक्टरी की पढ़ाई तो सब बड़े लोग करते हैं। इतना आसान बनाया कैसे सर, आइडिया आया और किस स्तर पर अब काम हो रहा है? देखिए, ये बात सही है कि जब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो, इसकी जब चर्चा होती थी तो एक अलग तरह का लोगों के दिमाग में ग्रंथी थी। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, उन्होंने सपना देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया और हमने उसको कर दिखाया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमने मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो, ये इसका जब बीड़ा उठाया और 4 महीने के अंदर हमने फर्स्ट ईयर की हिंदी की किताबों को ट्रांसलिटरेट कर दिया। हमने इसको ट्रांसलिटरेट किया है, टेक्निकल शब्दों को परिवर्तित नहीं किया है, केवल उनको देवनागरी में लिखा है। फर्स्ट ईयर की 3 किताबें बनकर तैयार हो गई जिस पर पढ़ाई शुरू हो गई है। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर पर हमने काम करना शुरू किया है और मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू की है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी, नाम विश्वास, उतना ही विश्वास ये जता रहा है कि अगले चुनाव में ये फिर से सत्ता में लौटेंगे और फिर कुछ नवाचार करेंगे और प्रदेश की जनता को फायदा होगा। निश्चित रूप से, और देखिए, इस देश में डबल इंजन की सरकार, सुधीर जी मैं आधा मिनट लूंगा, डबल इंजन की सरकार की जो परिभाषा नरेंद्र मोदी जी ने दी है वो बहुत सार्थक प्रतिपादित हुई है। मैं आपके प्रोग्राम में बोल रहा हूँ और ताकत के साथ बोल रहा हूँ, 2023 में मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी और 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में भी सरकार बनेगी। 23 में प्रदेश, 24 में देश, ये उम्मीद जता रहे विश्वास सारंग जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब वक्त है हमारे जितने भी लेजेंड्स हैं या हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, उन्हें अवार्ड्स देने का, उन्हें फैसिलिटेट करने का, जिसके लिए मैं सबसे पहले स्टेज पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर अब्दुल्ला हुसैन, अमलतास इंडिया लिमिटेड, मोस्ट ट्रस्टेड रियल एस्टेट ब्रांड ऑफ सेंट्रल इंडिया।
जोरदार तालियां, गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर अब्दुल्ला हुसैन। अगला नाम है प्रोफेसर मिसेस मनीषा काफ्टेकर, डायरेक्टर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस IES यूनिवर्सिटी। गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। Dr. Achal Chauhan, Chairman, RD Memorial Group of Institutes, leading Ayurveda College and Hospitals in Madhya Pradesh. Mr. AJ Khan, Administrative Officer, RKDF Medical College Hospital and Research Center, leading Institute for Medical Science in Madhya Pradesh. और अब मैं सुधीर जी से अनुरोध करूंगी, आप कृपया मंत्री जी को सम्मानित कीजिए, मोमेंटो प्रदान कीजिए। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लाइफलाइन कॉन्क्लेव। मानसरोवर डेलिजेंट केयर हॉस्पिटल प्रेजेंट्स न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लाइफलाइन कॉन्क्लेव, विच इज पावर्ड बाय सेज अपोलो हॉस्पिटल्स एंड को पावर्ड बाय JK Hospitals, Amaltas India Limited and Reliance Industries Limited. और इसी के साथ इस कार्यक्रम को विराम देने का समय भी आ चुका है। This is your host Bhavna Sharma signing off for today. Thank you so much.